नमस्कार दोस्तों, सबने आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा। वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है? हमारी वीडियो बनने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल को लेकर। ज्यादातर बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि आज कितने बच्चे पास हुए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट में बाहर किए, मेल और फीमेल। ध्यान से सुन लेना, मेल और फीमेल दोनों के बताने वाला हूँ आज दोस्तों। जो भी कुछ हुआ आपको सबको बताऊंगा। आज तारीख कितनी हो चुकी है? आज तारीख हो चुकी है 1 जुलाई। कितनी हो चुकी है? 1 जुलाई, मतलब कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल का आज कौन सा दिन था? 4th दिन था। 28 तारीख से आपके फिजिकल चालू थे, आज हो चुके हैं 1 जुलाई। तो आज क्या क्या हुआ सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, ठीक है? कितने बजे बच्चों की एंट्री ली, पहला बैच कब दौड़ाया, दूसरा कब दौड़ाया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट में बाहर हुए। और एक सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, आज इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कट ऑफ आपकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, बेझिझक कोई भी डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा। और आपको सबको पता भी होगा मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई भी देता हूं, ठीक है? और दोस्तों, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, यदि आपके कट ऑफ से 1-2 नंबर भी ज्यादा है ना, तब भी आपको फिजिकल देने जरूर जाना है। ध्यान से सुन लेना, पैरों पे खिलाड़ी मत मार लेना। ध्यान से सुन लेना, पैरों पे खिलाड़ी मत मार लेना। कट ऑफ से 1 या 2 नंबर ज्यादा है तब भी फिजिकल देने जाना है, ठीक है? क्या करना है? फिजिकल देने जाना है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, बच्चों की हालत ख़राब होती जा रही है। जो मैंने पहले अंदाज़ा लगाया था कि इतने बच्चे पास होने वाले हैं, उतने ही बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई हो रहे हैं, इतने ही बच्चे फिजिकल में पास हो रहे हैं। तो मैंने आपसे बोल दिया 1-2 नंबर भी ज़्यादा है तब भी आपको फिजिकल देने जाना है। अब मैं लेके चलता हूँ आज के टॉपिक के ऊपर, कौन कौन से डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ, पहला डाउट है कि कितने बजे पहला बैच दौड़ाया गया। लगभग सभी ग्राउंडों को बताऊंगा दोस्तों कितने बजे एंट्री हुई थी और कितने बजे पहला बैच दौड़ाया गया था। तो दूसरा आपका डाउट रहेगा, अंतिम बैच कितने बजे दौड़ाया गया। लगभग सभी ग्राउंडों को बताऊंगा दोस्तों, मेल का और फीमेल का, कि अंतिम बैच कितने बजे दौड़ाया गया था आज। इसके अलावा तीसरा आपको मैं बता दूं डाउट है कि आज कितने बच्चे पास हुए। ध्यान से सुन लेना, कितने बच्चे पास हुए मेल और फीमेल दोनों का बताऊंगा। ध्यान से सुन लेना, मेल और फीमेल दोनों का बताऊंगा कि आज कितने बच्चे पास हुए, किस किस के अंदर फेल हुए, क्या ऊंची कूद लंबी कूद में फेल हुए, क्या डॉक्यूमेंट में बाहर हुए, सब कुछ मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। चौथा सबसे बड़ा डाउट था, वो आपका मैं क्लियर करने वाला हूं, डॉक्यूमेंट को लेकर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चले, किस किस के अंदर बच्चों को बाहर किया, आरटीपीसीआर लाइसेंस, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, सबको मैं क्लियर करने वाला हूं। और पांचवा सबसे बड़ा डाउट है फाइनल कट ऑफ, जिस प्रकार से बच्चे फिजिकल में फेल हो रहे हैं, तो क्या आप ये कट ऑफ बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, इसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं। पहला डाउट उठा लेता हूं कि कितने बजे पहला बैच दौड़ाया गया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एंट्री कितने बजे होती है आपको सबको पता होगा, 5 से 5:30 बजे तक वो एंट्री कर लेते हैं। तो आपको कितने बजे जाना है? 5 बजे ग्राउंड में उपस्थित हो जाना है। एंट्री कितने बजे होती है? 5 से 5:30 के बीच में आप जा सकते हो, लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा जल्दी चले जाना, लेकिन लेट की मत सोचना, ठीक है? जल्दी चले जाओगे तो आपके लिए है, लेट जाओगे तो दोस्तों मामला खराब हो जाएगा। तो 5 बजे आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है? 5 बजे एंट्री मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा डाउट आता है कि जब एंट्री मिलती है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। जब आपको दोस्तों ग्राउंड के अंदर प्रवेश मिलेगा, एंट्री मिलेगी, तो आपका एक तो एडमिट कार्ड और दूसरा आरटीपीसीआर रिपोर्ट जांच करते हैं, ठीक है, मेन गेट पर ही। जैसे आप अंदर एंट्री कर जाओगे, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों की आ रही है कि पहला बैच कब दौड़ाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, लगभग सभी ग्राउंडों का ध्यान से सुन लेना, 7 से 8 बजे के बीच में, ध्यान से सुन लेना, 7 से 8 बजे के बीच में लगभग सभी ग्राउंडों में, ध्यान से सुन लेना, लगभग सभी ग्राउंडों में पहला बैच को दौड़ा दिया जाता है। कितने बजे? 7 से 8 बजे। अब आप गला मेरे पास कमेंट भी करोगे कि मेरा बैच को इतने बजे दौड़ाया था फलाना ढीका, तो मैं आपको बता दूं, कहीं तो 7:30 बज जाते हैं, 7:20, कहीं पर 8
8 बज जाते हैं, इसी प्रकार से मामला है। तो मैंने आपको बता दिया 7:30 बजे के आसपास पहला बैच दौड़ाया जाता है। उससे पहले वो क्या करते हैं, उससे पहले दोस्तों डॉक्यूमेंट की खाना पूर्ति करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट की खाना पूर्ति करते हैं। और जब वे दौड़ के लिए लेके जाते हैं, उससे पहले वो आपको सूचित कर देते हैं जिसको जो कुछ भी पहनना है, बाथरूम जानी है, पानी पीना है, जो भी कुछ करना है वो कर सकते हो, फिर वो दौड़ के लिए ले जाते हैं। तो पहला ग्राउंड मैंने क्लियर कर दिया, कितने बजे, 7 से 8 बजे के बीच में सभी ग्राउंडों में पहला बैच दौड़ाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं, भगवान से आप यही दुआ करना कि फर्स्ट बैच में या फिर सेकंड बैच में हमको भी दौड़ा दे, क्योंकि जैसे दोस्तों धूप पड़ना स्टार्ट हो जाती है, बच्चों की हालत डाउन होती जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। तो आप भगवान से यही दुआ करो कि हमारा सुबह जल्दी फिजिकल कंप्लीट हो जाए, मतलब कि दौड़ कंप्लीट हो जाए। दूसरा आपका मैं डाउट उठा लेता हूं कि आज 1 जुलाई को अंतिम बैच कितने बजे दौड़ा गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वही समय है 11 से 12 बजे के बीच में, कितना, 11 से 12 बजे के बीच में। ऐसे बहुत भी ग्राउंड है जिनमें 12 से भी लेट हो गए थे, और ऐसे भी हैं जो 11 बजे के समथिंग अंतिम बैच दौड़ा दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, 28 तारीख से तो पहले ही दौड़ाया था, 28 तारीख को तो क्या हुआ था दोस्तों, 1-1, 1.5-2 बजे भी बैच को दौड़ाया गया था 28 तारीख को। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब धूप पड़ने से पहले ही दौड़ा देते हैं, ठीक है, मतलब कि फिर भी आपके 11 से 12 तो बच जाते हैं, ठीक है, अंतिम बैच को दौड़ाने में 11 से 12 बच जाते हैं, ठीक है। और अच्छी खासी धूप पड़ने लग जाती है, तो आपको सबको पता होगा 11 बजे शानदार धूप पड़ने लग जाती है, जिसके कारण से बच्चों पे दौड़ नहीं हो पाती, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा डाउट है, आज कितने बच्चे पास हुए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वही आंकड़ा चलता रहा है। पहले मैं फीमेल का बता देता हूं, उसके बाद में मेल का बताऊंगा। फीमेल का मैं आपको बता दूं, बहुत बैच दोस्तों 40 के भी बना रहे हैं, 50 के बना रहे हैं, बहुत ग्राउंड में 40 के बैच भी बना रहे हैं। तो 40 के बैच में कितनी फीमेल पास हो रही हैं, आपको बता दूं वही आंकड़ा है 9-10, 9-10, ठीक है। अब सबसे ज्यादा फीमेल कौन से बैच में पास हुई थी, मैं आपको बता दूं, जो कल वाला बैच था, मतलब कि 30 जून का जो बैच था, उसमें 40 में से लगभग 21 फीमेल पास हुई थी, 21-22 फीमेल पास हुई थी। सबसे ज्यादा फीमेल ही कल पास हुई थी, ठीक है, कितनी तारीख को, 30 जून को। अब मैं मेल का बता देता हूं कि मेल कितने पास हो रहे हैं। दोस्तों धूप पड़ने से पहले ध्यान से सुन लेना, 50 में से धूप पड़ने से पहले कितने बच्चे पास हो जाते हैं, मेल के बता रहा हूं, वही 19-20 तक आंकड़ा पहुंच जाता है, कितने तक, 19-20, 17-18 तक आंकड़ा पहुंच जाता है। और जैसे ही धूप पड़ना स्टार्ट हुई थी, ध्यान से सुन लेना, जैसे ही 1 जुलाई को धूप पड़ना स्टार्ट हुई थी, आंकड़ा वही धीरे धीरे डाउन पे आ, कितने पे, वही 9-10 पे आ गया, कितने पे, 9-10 पे आ गया। इसलिए बोलता हूं, धूप के अंदर यदि दौड़ होगी तो मामला खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बच्चों पे धूप के अंदर दौड़ नहीं हो रही, वो फिजिकल से बाहर हो रहे हैं, दौड़ में बाहर हो रहे हैं। तो आप भगवान से यही दुआ करो कि सुबह जल्दी हमारा फिजिकल कंप्लीट हो जाए। तो तीसरा डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, कल बच्चों की और भी बुरी हालत हो गई थी आंधी के कारण। किसके कारण, आंधी के कारण, जिसके 80-80 नंबर थे ना, वो बच्चे भी बाहर हो गए थे दौड़ में। 50 में से सिर्फ 8 बच्चे पास हुए थे, वजीराबाद की बात बता रहा हूं मैं, 8 बच्चे, कितने, 8 बच्चे। क्यों, क्योंकि इतनी तेज आंधी आई थी, बच्चों पे दौड़ी नहीं हुई और आंधी में बच्चों से दौड़वा दिया, कितने बच्चे, 8 बच्चे। इसलिए बोलता हूं हालत खराब हो रही है, 1-2 नंबर भी ज्यादा है कट ऑफ से, तो आपको फिजिकल देने जरूर जाना है। चौथा सबसे बड़ा डाउट ले लेता हूं डॉक्यूमेंट को लेकर। दोस्तों बच्चों को डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं कर रहे। यदि आपके पास जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए थे वो डॉक्यूमेंट है, और आप उन्हीं डॉक्यूमेंट को लेकर जाना, तो आपको कोई बार नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कास्ट सर्टिफिकेट यदि नया भी है तो वो चल जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह दूं, यदि पुराना भी है आपके पास, उसको भी लेके जाना है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट में बाहर नहीं करेंगे। यदि हाल ही में नया बनवाया है तो वो भी चलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बारे में बता दूं दोस्तों, यदि आपके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होगी उस टाइम फिजिकल तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए, ध्यान से सुन लेना, चाहिए। लेकिन इतने
ध्यान से भी नहीं देख रहे, यदि आपके पास 3 दिन पहले की भी है चल जाएगी, 72 घंटे के अंदर अंदर कभी की भी है वो चल जाएगी, आपको बाहर नहीं करेंगे। लेकिन आपको RT-PCR रिपोर्ट और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं सभी डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल और फोटोकॉपी सबको लेके जानी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं कर रहे। पांचवा सबसे बड़ा डाउट आ रहा था कि बच्चे फिजिकल में बहुत फेल हो रहे हैं तो कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से, ध्यान से सुन लेना, जिस प्रकार से अब बच्चों की हालत खराब होती जा रही है दौड़ में, वैसे ही यदि बच्चे बाहर होते जाते हैं तो कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। और यदि ऐसा हो जाता है अंतिम में जिसका फिजिकल है वो बच्चे अच्छे खासे फिजिकल में पास हो जाते हैं तो कट ऑफ बढ़ सकती है। लेकिन हाल ही में जो हिसाब चल रहा है, जितने बच्चे फेल हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। तो मैंने आपको बता दी फाइनल कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि बच्चे फिजिकल में पास ही नहीं हो रहे। कल की बता दूं, कल आंधी के कारण ऐसे भी बच्चे थे जिनके 85+ स्कोर था। कितना था? 85+ स्कोर था, लेकिन 50 में सिर्फ 8 बच्चे पास हुए। जिनका 85+ स्कोर था वो बच्चे भी दौड़ के अंदर बाहर हुए। इसलिए बोल रहा हूं आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, फाइनल कट ऑफ को लेकर मत बढ़ो, बढ़िया तैयारी करो। और मैं अलग से जैसे फिजिकल कंप्लीट होते हैं अलग से एक फाइनल कट ऑफ की वीडियो लेकर आऊंगा। अब मैं दोस्तों, मैंने आपके 500 के 500 डाउट वो क्लियर कर दिया, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूं। यदि सिलेक्शन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मैं रोजाना एक ही बात बोलता हूं, सिलेक्शन चाहिए तो 3 चीजों पे पकड़ बना लो, दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यदि दौड़ नहीं कर पाओगे तो सीधे बाहर होकर घर आ जाओगे। तो मैं आपसे यही कहता हूं, यदि अंत में फिजिकल है तो अभी आपके पास समय है, दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद इनके ऊपर पकड़ बनाओ, ठीक है। लंबाई थोड़ी बहुत कम है, चेस्ट थोड़ी बहुत कम है, चल जाएगी, लेकिन दौड़ के अंदर आप क्लियर बाहर हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपके पास रस्सी वाला जुगाड़ नहीं है, चिप वाला जुगाड़ है। एक भी सेकंड ऊपर हो जाएगी तो आप फिजिकल में बाहर हो जाओगे, दौड़ के अंदर बाहर हो जाओगे। तो मैंने सभी डाउटों को क्लियर कर दिया। इनके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है, बेझिझक आपका अपना चैनल है, वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।